एक्चुअली जो कोकोआ चॉकलेट है, तो अगर आप बुक्स में देखोगे ना, वो लिखा होता है कैफीन। एक्चुअली वो कैफीन नहीं होता है, वो कैफीन का एक रिलेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड थियोब्रोमीन। समझ रहे हो? तो इसलिए वो कैफीन नहीं होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं उसको कैफीन, एक्चुअली वो कैफीन नहीं है, इट इज अ आइसोमर ऑफ कैफीन, या उसका एक डिफरेंट टाइप का पोजिशनल आइसोमर है। समझ रहे हो? तो उसको हम लोग कहते हैं थियोब्रोमीन। ओके, तो इसीलिए उसका पेड़ का नाम क्या है, थियोब्रोमा काकाओ। ठीक, लिखने वाले से कट गया। ठीक है, तो कैफीन का जो पेड़ है उसका नाम है थियोब्रोमा काकाओ। चलिए, तो इस तरह से कुछ कुछ नाम है हमारे जो हम लोग को याद रखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। एक और है ऐसे उसी तरह से, ओराइजा सटाइवा। तो क्रोमोसोम नंबर्स, ओके, कंटिन्यू। तो यारे ये कंटिन्यूड चल रहा है हमारा, तो इसीलिए तो कुछ कुछ हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपका हर समय याद यूज होगा इन योर 2 ईयर्स। तो ये 2 साल में हम लोग यूज करेंगे। तो एक है राइस, ओराइजा सैटिवा, ओके, उसमें 2N इज इक्वल टू 24 होता है, 24। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्या, टोमेटो नहीं चाहिए, एक्सोलॉटल नहीं चाहिए, बेडबग नहीं चाहिए, मिलीपीड नहीं चाहिए, जिराफ नहीं चाहिए, ईस्ट 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 का मतलब क्या है, सैका, बोलिए, सैक्रोमाइसिस, सैकरोमाइसिस, ओके, सर्वजय सैकरोमाइसिस सेरे हीजिए। तो हर समय स्पेलिंग परफेक्ट जानेंगे, क्योंकि स्पेलिंग गलत का सर। मतलब भी -1 होता है। ये कंसेप्चुअली होता है, बट डीएवी में काटते नहीं है, बट रॉन्ग स्पेलिंग मीन्स रॉन्ग नेम। ठीक है, तो ये आपका है। इधर एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग लिखेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन इसकी एक स्पेशल कंसेप्ट है, यूरोपियन, ओके, हनी बी, या इसको हम लोग स्मॉलेस्ट, स्मॉल एंड सेफेस्ट बी भी कहते हैं। और अगर आपको कल्चर करना है तो ये अच्छा है, कोई मारा मारी नहीं करता है। तो इसमें जो है 2N इज इक्वल टू 32/16। तो कैन यू टेल मी इसका मीनिंग क्या है? 32 फीमेल और मेल का 16। कहते तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे मैंने लिखा नहीं था, ओके हैप्लो डिप्लॉयडी। तो समझ रहे हो, यही एक यस स्पेशल पॉइंट है। तो हनी बी में फीमेल डिप्लॉयड होता है कि नहीं? एंड सर, बस यूरोपियन टाइप का सर, नहीं उनका नहीं होता है सब बस। में सब में सब में सब में मेल यूरोपियन इसलिए हम लोग लिखे, क्योंकि वो थोड़ा, वो देखो ये 2-in-1 काम कर देगा। एक तो आपका माने इकोनॉमिकली भी काम करेगा, एंड दूसरा भी करेगा, मेल हाइप्लॉयड हैप्लॉयड कॉमा आर हिनो टोकी। मतलब क्या है, मतलब पार्थेनोजेनेटिक मेल है ये। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्हिनोटोकी। तो इसका नाम है एपिस, एपिस मेलिफेरा। फाइन, तो ये उसका नाम है एपिस मेलिफेरा। आर्हिनोटोकी का मतलब क्या होता है, आर्हिनोटोकी का मतलब होता है मेल डेवलप्स विदाउट
फर्टिलाइजेशन कॉमा बाय पार्थेनो जेनेसिस। तो मेल पार्थेनोजेनेटिकली पैदा होता है जबकि फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद पैदा होता है। अंडरस्टैंड? तो ये एक यूनिक पॉइंट था हमारा। उसके बाद आ जाइए सर, इसमें वर्कर भी और क्वीन भी में सर डिफरेंस रहेगा ना? नहीं, उसमें सब सेम होगा, सेक्सुअलिटी का सिर्फ फर्क रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाएगा अर्थों मर्थों नीचे, यस ये वाला अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, यह है ज़ेनोपस लेविस। अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग ज़ेनोपस लेविस 2n इज इक्वल टू 36। हाँ ना, 2n इज इक्वल टू 36 राइट। उसके बाद आ जाएगा हमारा टाइगर फाइगर नहीं चाहिए, पिग नहीं चाहिए, लियोन नहीं चाहिए, कैट भी नहीं चाहिए। एक लिस्ट है हमारा, माउस पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि माउस पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है। माउस इज मस मस्क्यूलस, ओके मस मस्क्यूलस 2n इज इक्वल टू 40। देख रहे हो ये नियरली ह्यूमन है, 2n इज इक्वल टू 40। उसी तरह से व्हीट, हमारा फेवरेट व्हीट, ये कौन सा व्हीट है? इसको हम लोग ब्रेड व्हीट कहते हैं क्योंकि व्हीट के बहुत वैरायटीज हैं। दिस इज ट्रिटिकम एस्टी 1। तो इसमें है 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42। तो ये पॉलीप्लॉइड का एग्जांपल है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो 6x का मतलब है हेक्साप्लॉइड व्हीट, ओके ये हेक्साप्लॉइडी है। उसके बाद है रिसस मंकी। तो रिसस मंकी क्या है? बंदर मंदिर के अंदर, जिसका एस जो है वो पिंक कलर का होगा, मैकाका रिसस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। तो 2n इज इक्वल टू 42, देख रहे हो वेरी वेरी क्लोज टू अस। उसके बाद सेम है रैट, उस पे भी बहुत काम होता है, रैटस कुछ भी आप ले सकते हो। आप लोग व्हाइट रैट लेते हैं इसलिए उसका नाम है नॉर्वेजिकस, ओके जो व्हाइट रैट, जो हमारा लैब रैट है उसको व्हाइट रैट कहते हैं। रैटस रैटस जो जंगल वाला रैट है जो प्लेग फैलाता है। 2n इज इक्वल टू 42, ठीक है। उसी तरह ओट्स, ओट्स भी बहुत बार आएगा आपका। ओट्स का नाम है एवेना सटाइवा। बॉटनी में आपका जो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स है उसको हम लोग ओट्स में स्टडी किए हैं। 2n इज इक्वल टू 42, ठीक है। रैबिट, ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ रखे रहो, अपने पास एक लिस्ट होना चाहिए बस, ओके। रैबिट ये मेरे को भी थोड़ी याद है, मैं भी देख देख के लिख रहा हूं। ऑरिक्टोलैगस LAGUS क्यूनिक्यूलस, ये नाम तो मालूम है बट क्रोमोसोम नंबर याद नहीं है। तो 2n इज इक्वल टू सेम 44, ठीक है। अब आ जाइए ह्यूमंस, तो आ जाएगा वो हमारा फेवरेट है ह्यूमंस। दिस इज होमो सेपियंस, सेपियंस सेपियंस, तो होमो सेपियंस सेपियंस पाए। तो ह्यूमंस में होमो सेपियन नहीं बोलना। 2n इज इक्वल टू 46, ठीक है। टोबैको वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च। टोबैको
निकोटियाना टबैकम, टबैकम सेम 2N इज इक्वल टू 48, तो गोरिल्ला का भी 48 है, ओरांगुटान, ओके, ओरांगुटान, ओके, ओरांगुटान, उसका जो जूलॉजिकल नेम है पोंगो, कॉमा सारा लिख देंगे यहीं, कॉमा उसके बाद आएगा गोरिल्ला, ओके, गोरिल्ला अगेन, इसका नाम है सेम गोरिल्ला, यस, उसी तरह शिम्पैंजी, ये है सेम, इसका नाम है पैन, तो 2N इक्वल टू 48, तो मैंने आपका सीक्वेंस दे दिया है, कौन सा सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में वो हमारे क्लोज है, तो क्लोजेस्ट कौन है, चिंपैंजी, ओके, चिंपैंजी इज क्लोजेस्ट टू अस, चलिए इतना काफी है हमारे लिए, लिखने को तो पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, ठीक है, सो दिस इज सम एग्जांपल्स ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, चलिए तो अब इसमें आपका ये जो है इसमें हर समय याद रखेंगे तो हैप्लॉयड, तो यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, तो याद रखिए, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 2N, ठीक है, उसी तरह गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू N, फाइन, तो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू 2N, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लॉयड नंबर, ओके, डिप्लॉयड नंबर, एंड ये जो है ये है हैप्लॉयड नंबर, बट एक डाइप्लॉयड भी होता है, समझ रहे हो, तो डिप्लॉयड होता है एंड डाइप्लॉयड, DIPLOID, तो स्पेलिंग दोनों का सेम है बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है, सो ये आप याद रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो गैमिट्स का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉयड है एंड उसका डबल है डिप्लॉयड, तो ऑलवेज याद रखेंगे जो 2N का हाफ है, ठीक है जी, सो दिस इज द कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर, चलिए और क्या पढ़ा जाए बताइए, तो अब ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, तो मैं आपको आज के दिन एक फोटोग्राफ दिखाने का कोशिश करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या पैकेजिंग, तो देन वी विल टेक अ ब्रेक, उसको लिखेंगे अगले क्लास में, आई विल ट्राई टू शो यू द डायग्राम सो दैट आपको समझ में आए कि कितना स्टेज में पैकेजिंग होता है, एंड तो इसलिए इन केस ऑफ पैकेजिंग ऑलवेज रिमेम्बर वी हैव टू कन्वर्ट ए वेरी लॉन्ग बट वेरी नैरो DNA टू ए वेरी थिक एंड वेरी स्मॉल क्या क्रोमोसोम, so this concept is called packaging and इस packaging में हम लोग histone and non-histone दोनों proteins का इस्तेमाल करते हैं, so we take the help of both histone proteins and non-histone proteins, ठीक है ना, इसमें आपको याद रखेंगे, so ये जो एक photograph है मैं आपको दिखा रहा हूँ, let me share the screen, fine, तो ये आपका जो स्क्रीन है बेसिकली, तो अब आप देखिए ये जो है ये आपका डिफरेंट स्टेजेस है, देख रहे हो कितना सुंदर डायग्राम है, तो ये आपका अलग अलग स्टेजेस ऑफ द क्रोमोसोम है, नाउ उसमें सबसे पहला जो स्टेज है उसको हम लोग डीएनए स्टेज बोलेंगे, डीएनए डबल हेलिकल स्टेज, एंड उसमें
आपका जो डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर, ठीक है, द डायमीटर इज 2 नैनोमीटर। उसके बाद ये जो है क्रोमोसोम मॉडल 11 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम, ओके, ये आपका जो जिगजैग फाइबर है 30 नैनोमीटर, फिर आपका इरेगुलर लूप्स 300 नैनोमीटर, फिर आपका ये जो बनेगा क्या जो लूप डोमेन्स ये है 700 या क्रोमाटिन भी आप कह सकते हो, एंड जो क्रोमोसोम है वो है 1400 नैनोमीटर, 700 + 700 वो पूरा का पूरा 1400 नैनोमीटर बन जाएगा, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल विच वॉज गिवन बाय ओडे, ओके। तो इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, आउटडेट, इसका प्रोनाउंसिएशन है ओडे, राइट। सो दिस इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल, तो ये आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल है। अब उसके बाद आगे आगे डिस्कस करेंगे। सो ये आपका डीएनए होता है, ओके, बट न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या क्या होगा आपका। सो इन द न्यूक्लियोसोम मॉडल यू विल फाइंड क्या 200 बेस पेयर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, आपका मैं पर हिस्टोन बोल रहा हूं, ओके, तो 200 बेस पेयर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद कितना हिस्टोन होगा, 2 × H2A, H2B, H3, H4, फाइन। तो ये आपके अलग अलग हिस्टोन्स हैं। सो तो 2 × this, तो ये क्या बनाता है, ऑक्टामर कोर प्लस H1 हिस्टोन, ओके, ये आपका पैक करता है, लॉक करता है। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो आपका 200 बेस पेयर डीएनए होगा एंड 9 हिस्टोन्स, फाइन। तो ये आपका बनाता है न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल है, ठीक है। नाउ इस तरह से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट एक्चुअली उसमें 146 जो डीएसडीएनए, ओके, डीएसडीएनए इज वाउंड, ओके, लपेटा जाता है 1/3/4 times, ओके, एंड हैज 146 बेस पेयर्स डीएसडीएनए, ओके। नाउ वेरिएबल लेंथ किसका है, वेरिएबल लेंथ है किसका, बोलो, लिंकर डीएनए, ओके। तो जो लिंकर डीएनए है मतलब बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम्स जो डीएनए है उसको लिंकर डीएनए है बोला जाता है, उसका लेंथ वेरिएबल होता है। सो ऑन एन एवरेज, ओके, तो आप 200 कैसे लिखते हो, एवरेज, ऑन एन एवरेज हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन एन एवरेज 200 बेस पेयर्स पर न्यूक्लियोसोम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये नियरली इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट टोटली इक्वल टू, समझ में आया। सो ये विथ रेस्पेक्ट टू हिस्टोन है। तो आप जानते हो डीएनए जो है वो हाईली नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, फाइन। उसी तरह जो हिस्टोन्स है तो ये क्या होते हैं, दीज हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, अनचार्ज,
या हम बेटर कह सकते हैं न्यूट्रल, ठीक है, तो अनचार्ज या न्यूट्रल कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको पैक करना आसान है। अगर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा तो वो आपस में क्या करेगा एक दूसरे को, उसको लपेटेगा। सो नाउ ये जो न्यूक्लियोसोम्स बन गया तो ये आपका क्या है, ये आपका अब चार्जलेस हो गया, अब जैसे मर्जी उसको लपेटो। तो फिर हम लोग उसको जिगजैग तरीके से फोल्ड करते हैं, इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर होता है, फिर ये लूप्स बनाता है, इसलिए इसको लूप डोमेन्स कहते हैं हम लोग, एंड अल्टीमेटली आपका क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम बन जाता है। फाइन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, तो इसको आप देखेंगे। सो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, कोई शक है तो बोलिए, अदरवाइज विल एंड द क्लास। नो सर। चलिए, बिकॉज दीज आर ऑल्सो कल के बीपीआई क्लास होगा, वो तो पता नहीं, वो तो आप लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। तो कल वैसे भी नहीं होता है केवीपी क्लास, आज कौन सा डे है, तो आज फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे नहीं होता है आपका क्लास। वैसे फ्राइडे होता है ना आप लोगों का क्लास। चलो चलो ठीक है, कल ले लेंगे हम लोग, बट अगर उसमें गड़बड़ा है तो फिर दोबारा मेरे से नहीं बोलना, ओके। सो वी विल मीट एट 2:15, ओके, टुमारो। चलिए, आपका जो लाइफ साइकिल है, अगर उसमें डोमिनेटिंग स्टेज हैप्लॉइड है, मतलब सपोज तुम्हारा 100 साल का जिंदगी है, उसमें 75 साल या 80 साल आप डिप्लॉयड हो एंड 25 साल हैप्लॉयड हो, तो उसको हम डिप्लॉन्टिक साइकिल बोलेंगे। अगर आप 75 साल 80 साल हैप्लॉयड हो एंड 20-25 साल डिप्लॉयड हो, उसको हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलेंगे। बट अगर आते जाते रहता है तो दैट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, ओके। सो ये आपका है एक फेज, उसमें देखना, नहीं तो जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इस ये आपका दिया होगा 3, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हर बार क्वेश्चन आएगा, समझे कि नहीं। सो ऑलवेज दैट क्वेश्चन विल कम। एक काम मैं करूंगा, तुम लोग जो लोग जो स्कूल में हमारा जो ये एग्जाम होता है ना कालू वाला, तो उसका पेपर मैं ग्रुप में भी छोड़ दूंगा, तो जिसको करना है वो कर सकता है, ठीक है। सर इस बार आप बायोमोलिकल्स बोलेंगे ना, क्या हमारा सिलेबस आप बायोमोलिकल्स बोलेंगे ना? आई डोंट थिंक सो, देखते हैं कब है आपका एग्जाम, कब है सब बोल रहे नहीं है। 13 को तो आप पोस्टपोन कर दिए टिल फर्दर नोटिस। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल इतने जल्दी हो भी नहीं सकता हमारा, तो अगर देर होगा तो बायोमॉलिक्यूल होगा, नहीं तो टूटा टूटा टुकड़ा होगा क्या। सी द प्रॉब्लम क्या है ना, अगर 6-6 दिन क्लास भी होता तो कुछ हो सकता था, अब 3 दिन के क्लास में एक हफ्ते में क्या करोगे, एंड 3 दिन में अगर बायोकेमिस्ट्री कैसे होगा, एंड 3 दिन में वो भी 3 घंटा, समझ रहे हो, तो दैट इज जनरली नॉट पॉसिबल। और वो तो फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन घनघोर डालेंगे, अंदर अंदर से डालेंगे, समझे कि नहीं, तो उनका क्वेश्चन अच्छा होगा, बट हम लोग पढ़ा अच्छा नहीं रहे हैं, तो क्या करें। बट बायोमोलिकल्स हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा सर, तुम लोग को नहीं होगा ना, बट ये आप तेजस वेजस को होगा, तुम लोग तो हम लोग तो पढ़े हैं, तुम लोग को होगा भी तो तुमको लात खाओगे तुम लोग, बट इन लोग को नहीं होना चाहिए, इन लोग को होना चाहिए।